नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भर में होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हालांकि यह रोक ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत हुक्के पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दानवेंदकरण की नगरी करनाल में नशा मुक्ति अभियान के तहत राज्य स्तरीय साइक्लोथोन साइकिल रैली के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य भर में होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने साइक्लोथोन के दौरान 25 दिनों तक अथक प्रयास करने वाले पुलिस कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए घोषणा की कि सभी 250 प्रतिभागी कर्मियों को DGP हरियाणा से क्लास 1 प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने इस समर्पित पुलिस कर्मियों के लिए 5 दिन की छुट्टी की भी घोषणा की। साइकिल चलन को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और व्यक्तियों की आवास सुविधाएं प्रदान करने वाला कोई भी लाइसेंस प्राप्त बिल्डर संपत्ति रजिस्ट्री के साथ संपत्ति के मालिक को एक साइकिल उपहार में देगा। ऐसे मामलों में जहां लाभार्थी के पास पहले से ही साइकिल है, HSVP या बिल्डर साइकिल के बदले में 3,000 रुपए देगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 सितंबर 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ साइक्लोथोन को हरी झंडी दिखाई थी और साइक्लोथोन रैली वहीं समाप्त हो गई जहां से यह शुरू हुई थी। CM ने भाग लेने वाले युवाओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया और नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका समर्पण युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइक्लोथोन जिसे अपनी यात्रा के दौरान लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय की है, नशीली दवाओं की लत के हानिकर प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रभावशाली मंच के रूप में कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों पर भी प्रकाश डाला। इसमें नशीली दवाओं के पीड़ितों और नशीली दवाओं के तस्करों पर राज्यव्यापी डाटा एकत्रित करने के लिए प्रयास नामक एक मोबाइल ऐप का विकास भी शामिल है। इसके अलावा नशीली दवाओं के व्यापार से संबंधित आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस बनाने के लिए हॉक नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अंतर राज्य ड्रग सचिवालय की स्थापना, नशा मुक्ति केंद्र खोलना और उपचार और परामर्श सुविधाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और पुलिस को नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपभोग पर भी बारे में सूचित करें। और वहीं CM ने ये भी कहा कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित ये जो यात्रा निकली, इसमें सैकड़ों की संख्या में जो लगातार 25 दिन जिन्होंने साइकिल चलाई और उसमें 3 जो प्रमुख नाम जिनकी आयु 64 वर्ष 65 वर्ष 66 वर्ष, ऐसे सब महानुभावों का भी मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस यात्रा को सफल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज भाइयों बहनों, यात्रा के 25 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन ये जो मद्य निषेध हरियाणा का एक संकल्प लेकर के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, वो कार्यक्रम तो अभी चलाना पड़ेगा, क्योंकि केवल यात्रा निकालने से अपना लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ये ठीक है कि यात्रा में 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल करके लाखों लोगों ने भागीदारी की, लेकिन समस्या का जो स्वरूप है, इसमें जन जागरण का ये अभियान हमको लगातार चलाना पड़ेगा। न केवल जन जागरण, बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनके वो डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा करके उनको इलाज भी करना पड़ेगा, उनको रिहैबिलिटेट करना भी पड़ेगा, ताकि पुनः वो वापसी ठीक मार्ग पर आ करके और पुनर्स्थापित हो जाए। और फिर ये सब काम में जो लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो एक ये चेन बनी हुई है सप्लाई चेन, ऐसे तस्करी करने वाले, ये जो द्रव्य पदार्थ को बेचने वाले, ये स्मगल करके यहाँ लाने वाले, जिनके बहुत बड़े अपने मंसूबे हैं, उनको भी धराशायी करना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो सरकार के नाते मैं संकल्प लेता हूँ,
कि आप सहायता कीजिए, इनको धराशायी करने में हम सब काम करेंगे। इन सब साइकिलिस्ट जो लगभग 250 की संख्या में लगातार चले थे, इनको सबसे पहला तो आज के बाद 5 दिन की छुट्टी रहेगी। एक ही विषय, और इसी प्रकार हमारे डीजीपी साहब आपको एक क्लास 1 का सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने एक अभियान लगाया है। ये मैं एक सामाजिक घोषणा और करता हूं। अभी हमने देखा है कि आजकल व्यवसाय के तौर पर ऐसे स्थानों पर जो होटल हैं, खाने पीने की जगह हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, वहां पर ये जो नशा करने के लिए हुक्का बार चलाए जाते हैं, अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। और मैं आज घोषणा करता हूं कि हाँ, इन नशे वाले जितने भी व्यवसायिक हुक्का बार हैं, इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम हरियाणा के प्राचीन संस्कृति के लोग भी हैं, ये जो गांव में परंपरागत हुक्के होते हैं, जो गांव के अंदर बहुत सामान्य तौर पर अपने चौपाड़ में अपने चारपाई पर बैठकर, मुड्डे पर बैठकर हमारे बुजुर्ग जो हुक्का पीते हैं, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। हुक्का माने जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो इसमें नशे की चीजें डाल करके और युवकों को खराब करते हैं, तो ऐसे व्यवसायिक स्थानों के इस हुक्का बार के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए, और ये मैं घोषणा करता हूं। ऐसे ही जैसे हमने साइकिल चलाया, मैंने स्वयं भी बीच बीच में कुछ जगह पर साइकिल चलाने का थोड़ा एक प्रदर्शन किया, लेकिन जवानी में साइकिल बहुत चलाया है। जो साइकिल चलाएगा, खास करके युवा वर्ग के लोग, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियों से दूर रहेंगे। और भाई, कहीं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए स्कूटर कार के लिए जो पेट्रोल खर्चते हैं, वो पेट्रोल की भी बचत होगी। इसलिए साइकिल चलाने का अभ्यास कैसे आगे बढ़े, इसके लिए घोषणा करता हूं कि हमारा जो HSVP डिपार्टमेंट है, वो मकान बना के बेचता है, तो घोषणा करता हूं कि चाहे HSVP डिपार्टमेंट हो और चाहे कोई बिल्डर लाइसेंस लेके मकान बनाता है और वो मकान बेचता है, मकान बेचेगा, पैसे लेगा, सब करेंगे, लेकिन साथ में मकान की रजिस्ट्री के साथ उस घर के लिए एक साइकिल भेंट करेंगे, ये भी एक योजना में बता रहा हूं। साइकिलों का प्रचलन बढ़ना चाहिए, खास करके जिन कॉलोनियों में नई जगह पर हम ट्रैक बना सकते हैं, वहां बनाने चाहिए। हाँ, कोई कहता मेरे यहां साइकिल है, तो साइकिल ना दे करके उसको 3,000 रुपए की राशि ये वो भेंट करेंगे। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने संस्कारों को ठीक रखने के लिए हरियाणा सरकार जो पहले कर रही है, आप लोगों का कोई भी और सुझाव आएगा, अच्छे सुझाव को हर समय लागू करने के लिए मनोहर लाल तैयार रहेगा। मनोहर लाल से अपेक्षा ऐसा रखना जरूर, समाज की शुद्धता, समाज के अंदर चेतना, समाज के अंदर शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, हर प्रकार के काम के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये समाज जागृत हो, समाज आगे बढ़े, ये हमारी चिंता है। उसके लिए बहुत योजनाएं बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। आपका सुझाव हो तो उसका स्वागत है। अब अंत में हमारे जितने भी यहां युवा साथी बैठे हैं, मैं संतजनों से प्रणाम करके कहता हूं कि वो अपने स्थान पर बैठे रहें। बाकी जो लोग हैं, वो खड़े होकर के एक संकल्प लेंगे आज, और ये संकल्प हमारे जीवन में उतरना चाहिए, भीतर से ये संकल्प आना चाहिए। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं न स्वयं ड्रग का नशा करूंगा और न औरों को करने दूंगा। जय हिंद। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।